हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिव भूषण चौहान है और मैं आज आपको डेवलपमेंट ऑफ वल्वा इन सिनोरब्डाइटिस एलिगेंस या सी एलिगेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सी एलिगेंस एक एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है, ये राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है। सी एलिगेंस ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे किसी भी जीन के फंक्शन, उसके एक्सप्रेशन को बहुत आसानी से देखा जा सकता है। सी एलिगेंस से रिलेटेड क्वेश्चन CSIR में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सी एलिगेंस मेनली हर्माफ्रोडाइट होता है, लेकिन इसमें मेल सी एलिगेंस भी पाया जाता है। मेल गोनेट्स का फॉर्मेशन अर्ली स्टेज में होता है और स्पर्म प्रोड्यूस होकर स्टोर किया जाता है। फीमेल गोनेट्स का फॉर्मेशन बाद में होता है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, वल्वा मेनली कॉपुलेशन यक लेइंग में रोल प्ले करता है। वल्वा फॉर्मेशन सी एलिगेंस में लार्वल स्टेज में 6 प्रीकर्सर सेल के द्वारा होता है। ये 6 प्रीकर्सर सेल 11 वेंट्रल एपिडर्मल ब्लास्ट सेल से की जाती हैं, जो कि स्पेसिफाइड होती हैं वल्वा प्रीकर्सर सेल के लिए। सी एलिगेंस में गोनेट्स के पास पाए जाने वाली एंकर सेल और वेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर सेल के बीच में कनेक्टिंग का काम एंकर सेल्स करती हैं। वल्वा फॉर्मेशन के लिए एंकर सेल एज ए इंड्यूसर काम करती है और ये लिन थ्री प्रोड्यूस करती है। लिन थ्री एज ए पैराक्राइन सिग्नलिंग वर्क करता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, पैराक्राइन सिग्नलिंग में सेल टू सेल कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती है। इसमें सेल कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करती है, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल पास में प्रेजेंट सेल्स पे जाकर बाइंड करता है और वहाँ सिग्नलिंग करता है। वल्वा प्रीकर्सर सेल के पास LED23 जो कि एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है, उस पर LIN3 आकर बाइंड करता है और वल्वा प्रीकर्सर सेल को एक्टिवेट करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। फ्रेंड्स, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, एक ही सिग्नल से सेल में अलग अलग फेट डिसाइड होते हैं और वो अलग अलग टाइप्स की सेल बना सकता है। इसका एग्जांपल हम वल्वा फॉर्मेशन में देख सकते हैं। वल्वा प्रीकर्सर सेल LIN3 प्रोटीन फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि एंकर सेल से प्रोड्यूस होता है। एंकर सेल के जो सबसे करीब सेल पाई वल्वा प्रीकर्सर सेल पाई जाती है, जो कि P6P सेल्स होती है, वो सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में LIN3 को रिसीव करती है और ये एज ए सेंट्रल वल्वा सेल का फॉर्मेशन करती है। और सेंट्रल वल्वा और इसके बगल में P6, P5P, P7P वल्वा प्रीकर्सर सेल लोअर अमाउंट में LIN3 का सिग्नल रिसीव करती हैं और ये लेटरल वल्वा सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। और इन तीनों सेल वल्वा प्रीकर्सर सेल के अलावा जो सेल दूर होती हैं वो LIN3 का सिग्नल रिसीव नहीं कर पाती हैं और ये हाइपोडर्मिस सेल का फॉर्मेशन करती हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, वल्वा प्रीकर्सर सेल्स में 3 तरह के फेट डिसाइड होते हैं। पहला है सेंट्रल वल्वा, इसमें 8 सेल्स बनती हैं और इसके बगल में वल्वा प्रीकर्सर जो सेल होती हैं वो लेटरल वल्वा सेल्स बनाती हैं, जिसमें कि 7 सेल का फॉर्मेशन होता है और बाकी 3 वल्वा प्रीकर्सर सेल हाइपोडर्मिस बनाती हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल 22 सेल्स मिलकर वल्वा फॉर्मेशन करती हैं। द 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल इन्फ्लुएंस्ड बाई द एंकर सेल फॉर्म एंड इक्विवेलेंस ग्रुप। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर CSIR में क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। ईच मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इज कम्पिटेंट टू बिकम इंड्यूस्ड बाई द एंकर सेल एंड कैन अज्यूम एनी ऑफ 3 फेट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द एंकर सेल। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इक्विवेलेंस ग्रुप इसलिए कहलाता है कि इस ग्रुप में प्रेजेंट सभी सेल तीनों फेट में से किसी भी फेट को बना सकती हैं, इसलिए इसे इक्विवेलेंस ग्रुप बोला जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सी एलिगेंस, इसमें गोनेट्स, एंकर सेल और 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स हैं और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म आप नीचे देख सकते हैं, गोनेट्स, एंकर सेल एंड 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल। इसमें आप देख सकते हैं एंकर सेल के सबसे पास जो सेल है वो प्राइमरी फेट डिसाइड होता है उसमें और ये सेंट्रल वल्वा सेल बनाती है जिसमें 8 सेल पाई जाती हैं और इसके एडजेसेंट P7P एंड P5P, इसमें सेकेंडरी फेट डिसाइड होता है, जबकि लेटरल वल्वा सेल बनाती हैं जो कि 7 सेल्स का होता है। टोटल 22 सेल मिलकर वल्वा सेल का फॉर्मेशन करती हैं। अदर वल्वा प्रीकर्सर सेल P8P, P3P एंड P4P टर्सरी फेट डिसाइड होता है और ये हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ अब आपको वल्वा डेवलपमेंट को एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाना चाहता हूँ।
मैं यहाँ आपको सिग्नलिंग के बारे में नहीं बता रहा हूँ, उसके बारे में डिटेल में मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा। यहाँ मैं केवल एक फ्लो चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये वल्वा फॉर्मेशन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंकर सेल जो कि लिन थ्री प्रोड्यूस करती है। लिन थ्री एज इपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का होता है, एज ए होमोलॉग होता है। और यहाँ आप देख सकते हैं सिक्स प्रीकर्सर सेल। वल्वा प्रीकर्सर सेल में लेट 23 रिसेप्टर पाया जाता है जो कि एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिन थ्री प्रोड्यूस होता है एंकर सेल से और यहाँ एज ए ग्रेडियंट रोल प्ले करता है लिन थ्री। यहाँ देख सकते हैं आप जो सबसे पास सेल है P6P जो कि एक वल्वा प्रीकर्सर सेल है, ये इसमें प्राइमरी फेट डिसाइड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा लिन थ्री का सिग्नल रिसीव करती है ये। इसके बगल में देख सकते हैं आप P7P एंड P5P, ये स्मॉल अमाउंट में लिन थ्री को रिसीव करती है और इन दोनों में सेकेंडरी फेट डिसाइड होता है और ये लेटरल वल्वा सेल्स बनाती हैं। इसके अलावा जो अदर भी P8P, P4P एंड P3P वल्वा प्रीकर्सर सेल हैं, इसमें टर्शरी फेट डिसाइड होता है, ये कोई भी सिग्नल रिसीव नहीं कर पाती हैं एंकर सेल से। आप देख सकते हैं प्राइमरी फेट और सेकेंडरी फेट की वल्वा प्रीकर्सर सेल डिवाइड होती हैं, फर्दर डिवाइड होती हैं और फाइनली प्राइमरी वल्वा प्रीकर्सर सेल और सेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर सेल 8 सेल बनाती हैं और बाकी दो लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल और सेकेंडरी फेट 7-7 सेल का फॉर्मेशन करता है। टोटल 22 सेल मिलकर वल्वा सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। 3 अदर वल्वा प्रीकर्सर सेल हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। सिग्नलिंग इन्वॉल्व इन वल्वा इंडक्शन इन सी एलिगेंस। सी एलिगेंस में पैराक्राइन एंड जस्टाक्राइन दोनों सिग्नलिंग कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। लिन थ्री जो कि एंकर सेल से प्रोड्यूस होता है और लेट 23 रिसेप्टर से बाइंड होता है जो कि वल्वा प्रीकर्सर सेल पाई जाती है। लेट 23 रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है और ये डिफरेंशियल रेगुलेशन कराता है डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के द्वारा, पैराकाइन सिग्नलिंग। लिन थ्री प्रोटीन फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं। PPC क्लोजेस्ट टू द एंकर सेल दैट इज P6P रिसीव द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ लिन थ्री प्रोटीन एंड जनरेट द सेंट्रल वल्वा सेल। 2 वल्वा प्रीकर्सर सेल एडजेसेंट टू इट P5P एंड P7P रिसीव द लोअर अमाउंट ऑफ लिन थ्री एंड बिकम द लेटरल वल्वा सेल। लिन थ्री इंड्यूस द वल्वा प्रीकर्सर सेल वाया लेट 23 रिसेप्टर एंड इंड्यूस द लेट 60 रेसमैप काइनेज एंड लेट 60 फॉस्फोलाइपेसी जो कि कैल्शियम सिग्नलिंग को फाइनली इंड्यूस करता है, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। सेंट्रल वल्वा सेल इनहिबिट द एडजेसेंट लेटरल वल्वा सेल टू बिकम सेंट्रल वल्वा सेल बाई लिन 12 एंड लेग 2 जो कि डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जस्टाक्राइन सिग्नलिंग के लिए सेल टू सेल कॉन्टेक्ट होना जरूरी होता है। इसमें प्राइमरी या सेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर सेल इंटरैक्ट करती है लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल से और उसको इनहिबिट करती है प्राइमरी या सेंट्रल वल्वा वल्वा सेल बनने से। नॉच सिग्नलिंग एक्टिवेट ए माइक्रो RNA MIR61 विच रिप्रेस द जीन दैट वुड स्पेसिफाई सेंट्रल वल्वा फेट एज वेल एज प्रमोटिंग दो जीन दैट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द लेटरल वल्वा सेल। द नॉच सिग्नल एक्टिवेट माइक्रो RNA MIR61 विच रिप्रेस द जीन दैट वुड स्पेसिफाई सेंट्रल वल्वा फेट एज वेल एज प्रमोटिंग दो जीन्स दैट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द लेटरल वल्वा सेल्स। बिफोर लिन थ्री इंडक्शन ऑल वल्वा प्रीकर्सर सेल एक्सप्रेस लेग 2 या Apex 1 लिगेंड बट सेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर सेल हैव हायर एक्सप्रेशन। सेंट्रल वल्वा डेल्टा नॉच सिग्नलिंग इंड्यूस द लिन 12 इन एडजेसेंट P5P P7P सेल लेटरल वल्वा सेल बट रिप्रेस द लिन 12 एक्सप्रेशन ऑन इट सेल। फ्रेंड, मैं अब आपको वल्वा डेवलपमेंट में इन्वॉल्व सिग्नलिंग को डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एंकर सेल जो कि लिन थ्री प्रोड्यूस करती है। लिन थ्री एज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर काम करता है और आप यहाँ 3 वल्वा प्रीकर्सर सेल देख सकते हैं, सेंट्रल और 2 लेटरल। सभी वल्वा प्रीकर्सर सेल लेग 2 Apex 1 या डेल्टा लिगेंड का एक्सप्रेशन करती हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा DSL1 जीन भी एज ए सिक्रेटेड फॉर्म लिगेंड का फॉर्मेशन करता है। आप यहाँ देख सकते हैं अदर देन लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल
सेंट्रल बल्बा प्रीकर्सर सेल हैव द हायर एक्सप्रेशन ऑफ लेड टू। सभी बल्बा प्रीकर्सर सेल के पास लेड 23 रिसेप्टर, जो कि एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, पाया जाता है। एंकर्ड सेल से प्रोड्यूस लिन 3 एज ए ग्रेडियंट रोल प्ले करता है। ये सबसे पास की सेल में सबसे ज़्यादा सिग्नल इंड्यूस करता है, और एडजेसेंट सेल और दूर की वल्वा प्रीकर्सर सेल में इसका सिग्नल स्मॉल अमाउंट में पहुंचता है। इसलिए डिस्टेंस के बेस पर अलग अलग वल्वा प्रीकर्सर सेल अलग अलग अमाउंट लिन 3 का रिसीव करती हैं, और अलग फेट डिसाइड होता है वल्वा प्रीकर्सर सेल में। सबसे पास की सेल में सेंट्रल वल्वा सेल का फेट डिसाइड होता है, उसके बगल एडजेसेंट टू सेल्स में लेटरल वल्वा सेल बनाने का फेट डिसाइड होता है, जो कि सेकेंडरी फेट कहलाता है। लिन 3 इंड्यूस द वल्वा प्रीकर्सर सेल बाई लेट 60 रैसमैप काइनेज एंड लेट 60 फॉस्फोलाइपेज सी सिग्नलिंग इन ऑल वल्वा प्रीकर्सर सेल। इस सिग्नलिंग को पैराक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। इसमें सेल टू सेल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लिन 3 एंकर सेल से प्रोड्यूस होता है और अपने पास प्रेजेंट वल्वा प्रीकर्सर सेल पे इसका सिग्नल रिसीव होता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज के द्वारा, और ये सेल को इंड्यूस करता है दो तरह से, लेट 60 रैसमैप काइनेज और लेट 60 फॉस्फोलाइपेज सी, जो कि फाइनली कैल्शियम सिग्नलिंग को इंड्यूस करती है। इसके थ्रू सेल फर्दर डेवलपमेंट करती है। इसके बाद सेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर सेल लेग टू लिगेंड के थ्रू लिन 12 रिसेप्टर, जो कि नॉच रिसेप्टर कहलाता है, उससे बाइंड करती है अपने एडजेसेंट लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल से, और ये नॉच सिग्नलिंग लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल को इनहिबिट करता है, और ये लिन 12 के एक्सप्रेशन को भी इंड्यूस करता है लेटरल वल्वा प्रीकर्सर सेल में। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल वल्वा प्रीकर्सर सेल अपने ऊपर एक्सप्रेस नॉच या लिन 12 के एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट करती है, और इस सिग्नलिंग को जस्टर टाइम सिग्नलिंग बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा और नॉच सेल टू सेल कॉन्टेक्ट के थ्रू सिग्नलिंग करते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको एंकर सेल फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दिस डिसीजन इज मेड इन द सेकेंड लार्वल स्टेज। एंकर सेल का फॉर्मेशन लिन 12 के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ ड्यूरिंग सेकेंड स्टार लार्वल डेवलपमेंट दो सेल्स पाई जाती हैं, Z1 PP एंड Z4 AA, जिनके पास की पोटेंशियल होता है एंकर सेल बनने के लिए, और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, और इनमें से एक सेल यूटराइन प्रीकर्सर सेल बनाती है और एक सेल एंकर सेल बनाती है, और ये दोनों सेल के पास यूटराइन प्रीकर्सर सेल के लिए और एंकर सेल के लिए सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम इन लार्वल डेवलपमेंट द सेल दैट बाय चांस इज सिक्रेटिंग मोर लैग टू काज इट्स नेबर टू सीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ दिस डिफ्रेंसिएशन सिग्नल एंड टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ लिन 12 प्रोटीन। इन लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिन 12 बोथ सेल बिकम एंकर सेल, वेयर एज इन गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन बोथ सेल बिकम यूटराइन प्रीकर्सर सेल। फ्रेंड्स, मैं अब आपको एंकर सेल फॉर्मेशन को एक लेआउट के फॉर्म में दिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं Z1 PP सेल एंड Z4 AA सेल्स, दोनों के पास लिन 12 एंड लेग 2 का एक्सप्रेशन होता है इक्वल अमाउंट में। ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट स्टेज दीज टू सेल इंटरेक्ट ईच अदर, एंड कोई एक सेल इसमें लेग 2 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू अदर सेल, एंड फाइनली इस पर केवल लेग 2 का एक्सप्रेशन होता है और दूसरी सेल पर केवल लिन 12 का एक्सप्रेशन होता है। लेग 2 एक्सप्रेसिंग सेल एंकर सेल फॉर्म करती है, लिन 12 एक्सप्रेसिंग सेल यूटराइन प्रीकर्सर सेल का फॉर्मेशन करती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे एंकर सेल का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेकेंड स्टार लार्वल
डेवलपमेंट ऑफ सी एलिगेंस। फ्रेंड्स, मैं अब आपको म्यूटेशन और उसके कुछ फिनोटाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं एंकर सेल एंड सिक्स वल्वर प्रीकर्सर सेल। अगर एंकर सेल को यूवी रेडिएशन दे दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ आप देख सकते हैं लीन थ्री का प्रोडक्शन लॉस हो गया है, जिसकी वजह से वल्वा प्रीकर्सर सेल वल्वा फॉर्म नहीं कर पाई हैं, उसकी जगह केवल हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एंकर सेल फॉर्मेशन के समय गेन ऑफ फंक्शन या लॉस ऑफ फंक्शन होने के कारण क्या फिनोटाइप जनरेट होता है। पहला आप देख सकते हैं लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ लिम 12 की वजह से दोनों सेल एंकर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा है गेन ऑफ फंक्शन ऑफ लिम 12, इसके होने से दोनों ही सेल यूट्राइन प्रीकर्सर सेल का फॉर्मेशन करती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं वल्वा फॉर्मेशन के दौरान अगर ये वल्वा प्रीकर्सर सेल लॉस हो जाए तो क्या होगा? तो आप यहाँ देख सकते हैं सिक्स वल्वा प्रीकर्सर सेल में एक वल्वा प्रीकर्सर सेल लॉस होने से वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा कंडीशन आप देख सकते हैं जिसमें दो वल्वा प्रीकर्सर सेल का लॉस हो गया है, जिसके कारण वल्वा फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यहाँ भी वल्वा फॉर्मेशन हुआ है। तीसरा कंडीशन आप देख सकते हैं इसमें तीन वल्वा प्रीकर्सर का लॉस हुआ है और ये फिर भी वल्वा फॉर्मेशन कर रही है। फोर्थ कंडीशन में आप देख सकते हैं चार वल्वा प्रीकर्सर लॉस हैं, जिसकी वजह से वल्वा फॉर्मेशन नहीं हुआ है, वहाँ केवल हाइपोडर्मल सेल का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं वल्वा फॉर्मेशन के लिए मिनिमम तीन वल्वा प्रीकर्सर सेल होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था, वल्वा प्रीकर्सर सेल कोई भी वल्वा प्रीकर्सर सेल लिन थ्री के सिग्नल को रिसीव करके कोई भी फेट को डिसाइड कर सकती है, इसी वजह से इसे इक्विवेलेंस ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि ये सिक्स वल्वा प्रीकर्सर सेल एज ए इक्विवेलेंस ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। ये कोई भी वल्वा प्रीकर्सर सेल किसी भी फेट को डिसाइड कर सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।